दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, पहले आप पूरी जोर से बोलो जय हिंद। साथ ही बोलो अल्लाह राम वाहेगुरु। सभी को मैं आपको शुभकामना देने के लिए आज आया हूँ और एक छोटी सी बात बताने आया हूँ कि आप हम जैसा कैसे बन सकते हैं, हम नेता लोग कैसे बन सकते हैं। इसलिए आपको मैं चाहता हूँ, हम नेता नहीं हैं, हम चाहते हैं कि आपसे लोग आए, आप जो आगे बैठे हैं ये लोग हमारी देश की जो इतनी बड़ी आबादी है इसमें से आगे आकर देश को आगे लेकर जाएं। हम चाहते हैं हमारी यूथ, हमारी जो स्त्री लोग जो हैं सभी आगे आने चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम आगे आए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताने के लिए आए कि हम अच्छे नेता कैसे बन सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में होते ही अच्छे नेता हैं, इससे भी अच्छे नेता बनना है तो हम आपसे ये मिलकर विचार साझे करेंगे। एक तो ये आपके पास ये ऐसी लोई होनी चाहिए, पूरी नहीं रखना है, सामने एक एक कंधे पे होनी चाहिए, फूल होना चाहिए कभी कभी आपके गल के ऊपर, सिर के ऊपर हार होने चाहिए, किसी से भी हार आपने उसका उतार कर अपने गल में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। चलो हम बात करते हैं कि हमारा जो नेतागिरी का होता है पहला असूल कि हमारा प्रिंसिपल पे होना जरूरी नहीं, चलो होना चाहिए वैसे जरूरी नहीं नेतागिरी के लिए, एटलीस्ट इन इंडिया। करेक्टर भी कोई अच्छा ना हो तो अच्छा रहता है, क्रिमिनल करेक्टर हो, कातिल का करेक्टर हो, करप्शन का करेक्टर हो, स्कैंडल का करेक्टर हो, अच्छा रहता है। आप लोगों को मैनेज करना जानते होने चाहिए, आपकी जो स्किल चाहिए हमें कि आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हो, मैनेज कर सकते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखो तो टूटे ना। नए जो आपको मिलते हैं दोस्त मित्र, उनको कहो कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमारे पीछे आओ, शाम को मिला करो, कुछ लेकर आया करो, ऐसे खाली हाथ नहीं आना है। कोऑर्डिनेशन दोस्तों से आगे की बुलाओ, जैसे हम मशीन को रखते हैं, मशीन चलनी रहनी चाहिए, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी डुप्लीकेशन, काम की कुछ ना कुछ हथेली के ऊपर आना चाहिए, जेल में पीछे आना चाहिए, चलता रहेगा। और कॉन्स्टेंटली ये देखो कि कोई टूट तो नहीं रखा, कोऑर्डिनेशन बनाओ अपने दोस्तों के बीच में, अपनी जनता के बीच में प्रोग्रेस होना चाहिए कॉन्स्टेंटली, एनालाइज करते रहो, कोई टूट तो नहीं रखा। इसके साथ क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम इकट्ठे बैठकर देश को आगे को इतना घसीट सकते हैं कि कोई याद करेगा कि नया नेता आया है, नया नेता उभरा है, कोई ऐसा सिर्फ बम नहीं गिरने वाला होता, आपने तो सिर्फ डेली अच्छा कुर्ता पजामा पहनना है, टोपी लेनी है, जहां पगड़ी डालनी है और ये देखना कि आज कैसे वर्ष के बढ़कर लोगों को, अच्छे ग्रुपों को आपके साथ लाया जाए गुमराह करके। जो नहीं आपके पास भीड़ जमा तो कुछ हायर करो, लोगों को कहो कि आप भी हायर करके कुछ लाओ, ट्रक ट्राली और बसें हैं, लोगों को बोलो कि नहीं हमारी सरकार आने वाली है, हम उसके सच्चे वर्कर हैं, झूठे नहीं कहना है, झूठ तो हमारे दिल में कहीं दिखा ही नहीं है, किसी किनारे पे हमारे झूठ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, दिल में इल विल तो है ही नहीं, बिल बिल ही है हमारे पे, तो कम्युनिकेट करते रहो, उनको भी समझो, इसको दरवाज दो तो टूटे ना, वो कुछ लेकर आए, चंदा लेकर आए, ठंडा ना लेकर आए। ये कभी आप कहीं किसी मुसीबत में भी पकड़े जाते हैं धीरे से उनसे माफी मांगो, हाथ जोड़कर माफी मांगो, उनके उनके घुटने देखो तो आपको सभी लोग माफ कर देंगे। आप डंडे से या किताब से बच जाओगे बहुत जल्दी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी आप इंसल्ट फील करने के लिए
होशियार रहना है बस, कुछ नहीं और इससे बड़ी बात। आपने कहना कि हम तो सेवक हैं, सेवक हमसे सेवा लो जितनी ले सकते हो, हम तो जन्म ही हमने लिया है इस जन्म में सेवा के लिए ही आए हैं। तो बात यह है कि उनसे सेवा, उनकी सेवा करनी है आपने बस, कुछ नहीं और करना है। ये उनको बता दो कि हमारा जो पहला जो फर्ज बना है सेवा है, सेवा है सेवा। और जब आपका दाल चले तो फिर दूसरी सेवा शुरू कर देना है, पहले उनको साथ लेना है, उनको मिलते रहना है। क्लियरली बोलो उनसे कि ये जो चीजें हैं जो आपके वर्कर हैं उनको एक ग्रुप पैदा करो। डिफिकल्ट सिचुएशन भी आएंगी आपको, नेता ग्रुप की डेफिनेशन में ट्रस्ट रखना चाहिए उसको, बोलो इसका भी प्रिंसिपल है। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं रह रहा, बहुत भाषणबाजी करनी पड़ती है रात में लोगों को देश सेवा में डालने के लिए, तो माफ करना। आज मैं आपको कुछ जो पॉइंट थे, किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना है, वो भला लोग है, दूसरी पार्टी ऑपोजिशन को सदा ही गिराना है, गिरावट में दिखाना है। इसके साथ क्या कर धीरे धीरे आपकी सत्ता में आप आ जाओगे, फिर उसके बढ़कर उसका सेवा करनी शुरू कर सकते हैं आप। ये तो सर्विस है, अच्छी बात है, आप उनकी सर्विस करेंगे, देश की सर्विस करेंगे, वो आगे आएंगे तो देश तो आगे आगे जाएगा। जितने भी हो आप स्कैंडल कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, बिलों में धांधली मचा सकते हैं, अच्छा क्या कोई आपको भी बुला सकते होंगे कोई डिपार्टमेंट, छोटा छोटा नगरों में गांव में आपको जो चेयरमैनशिप होती सरपंच की होती है हमको दिला सकते हैं। तो आप के सामने आज थोड़ी सी एक बेनती ही है हाथ फेर कर कि हमारी पार्टी में ज्वाइन करो और नेतागिरी का बल सीखो, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।